पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु जागरण लाने के लिए गुमला पॉलिटेक्निक के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं ने विश्व पर्यावरण दिवस संस्थान परिसर में पूरे उत्साह एवं उमंग से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए संस्थान के निदेशक श्री अभिजीत कुमार ने पर्यावरण के संरक्षण हेतु आम जनमानस से पेड़ लगाने, वनों की कटाई रोकने, प्रदूषण से बचाव करने एवं जैव विविधता लाने की अपील की। इस अवसर पर शासी निकाय की सदस्य श्रीमती रेणुका यशस्वी ने हरित प्रदेश एवं हरित राष्ट्र की स्थापना पर बल दिया। संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर शिव नारायण साहू ने छात्रों के बीच शून्य वेस्ट चैंपियनशिप एवं रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट पर चित्रकारी आयोजन कर इसे रुचिकर बना दिया तथा पर्यावरण हेतु सामाजिक जागृति लाने पर बल दिया। छात्र छात्राओं ने इसमें पूरे मनोयोग से इन विविध प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इस अवसर पर संस्थान परिसर एवं वर्कशॉप के सामने पड़े खाली स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से पेड़ लगाए गए। आज 5 जून 2022 विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें गुमला पॉलिटेक्निक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। इसमें प्लांटेशन वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाया हुआ प्रोजेक्ट ड्राइंग में सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विगत 3 दिनों से विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं। छात्र ही आगामी भविष्य हैं, देश के आगामी भविष्य हैं, और छात्रों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता रहना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ड्राइंग कंपटीशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंपटीशन और कुछ टेक्निकल प्रोजेक्ट्स करवाए गए हैं। और आज बहुत मात्रा में गुमला पॉलिटेक्निक के कैंपस के अंदर पौधारोपण भी किया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।